नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक परिवार एक नौकरी के बारे में, बहुत बड़ी जानकारी को लेकर। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि एक परिवार एक नौकरी क्या है, एक परिवार एक नौकरी के तहत कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इतना ही नहीं, परिवार कार्ड रजिस्टर कब और कैसे बनेगा। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा होगा रिकॉर्ड, जिसे कहते हैं परिवार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि घर की आय का स्रोत, अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, तब भी आपका परिवार कार्ड बनेगा। नंबर 3, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता की जानकारी भी ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको संबंधित अधिकारी को देना होगा, तभी आपका परिवार कार्ड बन पाएगा। दोस्तों, किन लोगों का मिलेगा रोज़गार और किन लोगों को मिलेगा स्वरोज़गार, इस चीज़ को भी इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, बैंकिंग कस्टोडियन से की मनरेगा मिट और ग्राम पंचायत सहायक के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। क्या इन लोगों को भी परिवार कार्ड बनाने में मदद ली जाएगी, इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं बता दूं आपको किन लोगों को परिवार कार्ड के तहत नौकरी दी जाएगी, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी रोज़गार दिया जाएगा, वो रोज़गार उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो रोज़गार करने लायक हैं। यानी कि अगर आप कारपेंटर का काम पाना चाहते हैं, प्लम्बर का काम का पाना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम पाना चाहते हैं, या बिजली बिल वसूली करना चाहते हैं, या फिर जल सखी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इस परिवार कार्ड में जगह दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि रोज़गार कौन सा है, उसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता है, इस चीज़ को भी सरकार तय करने जा रही है। और इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा परिवार कार्ड रजिस्टर में एंट्री कब परिवार कार्ड बनेगा और कब आपको नौकरी दी जाएगी, इस चीज़ को लेके एक एक चीज़ अपडेट करूंगा। दोस्तों, बताऊं आपको तो किन लोगों को मिलेगा स्वरोज़गार, इसके लिए भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, जो लोग भी स्किल्ड हैं, यानी जिनको काम आता है लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार चिन्हित करेगी। सरकार उस परिवार कार्ड में अनुभव पत्र, एक कॉलम है वहाँ पर आपको आपके सर्टिफिकेट अगर हैं तो अटैच कीजिए, अगर नहीं है तो आप अपने काम को बता के वहाँ पे लिखवा सकते हैं। सरकार आपको रोज़गार देने से पहले उसका निरीक्षण ज़रूर करेगी, उसको चेक करेगी कि क्या आपको वाकई में वो काम आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों, और अगर हम लोग रोज़गार की बात करें तो रोज़गार उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग इस रोज़गार के पात्र होंगे। दोस्तों, खास बात आपको बता दूं, परिवार कार्ड के तहत नौकरी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोग, जिनका मासिक वेतन के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो कम से कम आपको 16,000 जिनका मासिक वेतन है, यानी कि एक साल का अगर आप देखें तो 2,00,000 से कम जिनका वेतन है, उन्हीं लोगों को परिवार कार्ड के तहत नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि परिवार कार्ड क्या है, कैसे बनेगा परिवार कार्ड, कब तक बनेगा परिवार कार्ड। ये 3 सवाल बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं जो ज़्यादातर मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि परिवार कार्ड क्या है, परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा उस परिवार कार्ड में मेंशन होगा, चाहे तो आप इनकम टैक्स देते हो, चाहे नहीं देते हो, चाहे आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आपके पास कितनी ज़मीन और जायदाद है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा उस परिवार कार्ड में मेंशन होगा। कैसे होगा परिवार कार्ड, दोस्तों आपको बताऊं कि परिवार कार्ड बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को, इवन एक ब्लॉक का अधिकारी होगा, हर घर वो विजिट करेंगे, उनके साथ तमाम संविदाकर्मी, जिसमें बैंकिंग कस्टोडियन सखी या रोजगार सेवक या मनरेगा में या फिर ग्राम पंचायत सहायक, इनमें से कोई भी सरकार द्वारा एक शासनादेश के माध्यम से बताया जाएगा कौन से लोग कहाँ और किस घर जाएंगे, उनके साथ संबंधित अधिकारी भी होंगे, ताकि वो प्रॉपर परिवार कार्ड बना सकें। कब तक बनेगा परिवार कार्ड, आपको तो बता दूं दोस्तों कि सरकार ने दावा किया है कि आने वाले बजट में जल्द ही सरकार परिवार कार्ड को लेके एक योजना लाने वाली, इस पर बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो यकीन मानिए, कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं परिवार कार्ड बनने को लेके। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, अगर आप अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आप स्वयं सहायता समूह से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में सरकार
आपको योजनाओं की भरमार दे सके और आप योजनाओं से जुड़कर लाखों की आमदनी भी कर सके। तो दोस्तों, किस तरीके से एक परिवार एक नौकरी ज़रूरी है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार परिवार कार्ड बनाने को लेकर जोर शोर से काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक सपना है कि हर परिवार में एक नौकरी देना बनता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश का निवासी लगभग 24 से 25 करोड़ लोग हैं। अगर देखा जाए तो एक परिवार कार्ड के द्वारा एक नौकरी देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकार इसमें तमाम सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और अर्ध सरकारी नौकरी, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के सरकार नौकरी देने का दावा कर रही है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के एक परिवार कार्ड आप ज़रूर बनाएं। जैसे कोई नया अपडेट निकल के सामने आता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।